आज हम जानेंगे कैसे 10,000 में स्टार्ट हुई कंपनी आज 3,83,000 करोड़ की हो चुकी है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। हम बात कर रहे हैं इंफोसिस की। इंफोसिस 1981 में पुणे में स्टार्ट हुई, जो नारायण मूर्ति और 6 जन ने मिलकर स्टार्ट की थी। फिर बाद में 1983 में कहीं ना कहीं वो बैंगलोर उन्होंने शिफ्ट कर दिया हेड ऑफिस इंफोसिस का। नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि उन्होंने फर्स्ट 1983 में फर्स्ट उन्होंने कंप्यूटर इंपोर्ट किए थे, जिनको इंपोर्ट करने में उनको 2 साल लग गए। फोन लाइन लगाने के लिए उनको 1 साल लग गए थे। मतलब इतना डिफिकल्ट था तभी बिजनेस करना। अभी जैसे कि हम लोग आगे का सफर देखते हैं इंफोसिस का, 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ, तब कहीं ना कहीं इंफोसिस को ग्रोथ मिली और फिर वो कंटिन्यू अपने ग्रोथ स्ट्रक्चर पे स्टार्ट हुई। 1993 में फर्स्ट आईपीओ लॉन्च किया था इंफोसिस ने, जो 95 रुपीज पे किया था और वो अंडर सब्सक्राइब था। कहने के मॉर्गन स्टैनली ने 13% का स्टेक खरीद के आईपीओ को बचाया बचाया था। बाद में फर्स्ट जो इंफोसिस है, $10 मिलियन 1999 में उन्होंने प्रॉफिट किया। बाद में $1 बिलियन 2004 में और $10 बिलियन 2017 में। इस तरीके से उनका प्रॉफिट ग्रोथ रहा। बिजनेस मॉडल क्या है, हम ये समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो इंफोसिस है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाती है, और ज्यादा करके उनके जो बिजनेस है वो फाइनेंस में, रिटेल एंड कंज्यूमर में, और कहीं ना कहीं टेलीकॉम में, ये उनके फोकस बिजनेस है, जहां पे वो सर्विसेज देते हैं। और इनको उनका जो रेवेन्यू है उनका वो कंटिन्यू उनको रेवेन्यू आता होता है उनके सॉफ्टवेयर से। अभी जैसे कि हम बात करें बिजनेस मॉडल में, तो जो फाइनेंस सेक्टर है वहां से कहीं ना कहीं 31.45% का उनको रेवेन्यू आता है। रिटेल एंड कंज्यूमर से उनको 15.75% का रेवेन्यू आता है, और टेलीकॉम बिजनेस उनको 13.78% का रेवेन्यू आता है। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड वाइड, तो 82 सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसेज हैं इंफोसिस के, 123 डेवलपमेंट सेंटर्स हैं इन द पूरे वर्ल्ड में। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन से एरिया से आता है, कौन से कंट्री से आता है, तो नॉर्थ अमेरिका से 60% का रेवेन्यू आता है इंफोसिस को। 24% का रेवेन्यू यूरोप से आता है, ओनली 3% का रेवेन्यू इंडिया से आता है, और 13% का रेवेन्यू अदर कंट्री से आता है। इसीलिए अमेरिका की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं इंफोसिस पे इफेक्ट डालती हैं कि वहां पे क्या हो रहा है और क्या नहीं। इंडिया में फर्स्ट ऐसी कंपनी इंफोसिस बनी जिन्होंने ई सॉप दिया अपने एम्प्लॉयज को, और उसमें से 18,000 एम्प्लॉय को बिलेनियर बनाया। अगर हम लोग एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ की बात करें आज इंफोसिस में, तो 2,43,000 कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हैं अभी इंफोसिस में, जिसके अंदर 37.8% सिर्फ वुमेन है, औरतें हैं काम करती। अगर हम बात करें तो 2,29,658 लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और जो सॉफ्टवेयर फील्ड से काम करते हैं, और ओनली 13,796 सेल्स में हैं। अभी अगर हम बात करें कि अगर किसी ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपीज 1993 में, तो आज वो कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ रुपए हो चुके हैं इंफोसिस में, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और एट्रेशन रेशियो की अगर हम लोग बात करें कि अगर इंफोसिस अगर कोई 1 साल में कितने लोग ज्वाइन करते हैं और छोड़ के जाते हैं, तो वो है 21.5%। मतलब अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो कहीं 21 21 21.5 लोग छोड़ के चले जाते हैं 1 साल में। अगर हम लोग अच्छी रेशियो बोले इंडस्ट्री का, तो 17.5 है। मतलब अगर 100 लोग ज्वाइन करें और 17.5 लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो दिस इज अ गुड रेशियो। और बेस्ट रेशियो 8% है। अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं और 8% लोग छोड़ के जाते हैं, तो ये सबसे बेहतर रेशो माना जाता है इंडस्ट्री का। अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, तो 13.15% का प्रमोटर होल्डिंग है इंफोसिस में अभी, जो उनके प्रमोटर है उनके पास। एफआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है सबसे ज्यादा है इसमें, 37.47%। एडीआर का जो इन्वेस्टमेंट है 16.79%। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इन्वेस्टमेंट है इसमें 11.29% है। अगर मैं बात करूं ईयर टिल डेट की, इस साल में इंफोसिस ने रिटर्न क्या दिए हैं, तो 23.54% का रिटर्न दिया है इंफोसिस ने इस ईयर में। और इस ईयर में सेंसेक्स और निफ्टी ने कहीं -10% का रिटर्न दिया है, तो आउट परफॉर्म किया है। अगर करंट पी रेशियो में बोलूं तो इंफोसिस का 22.78% है, और प्राइस टू बुक वैल्यू बोलूं तो 5.87% है। मतलब अपने बुक वैल्यू से कहीं ना कहीं 6 टाइम ज्यादा ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। नेट सेल में बोलूं तो इस ईयर में जो नेट सेल उन्होंने किया है वो किया है 90791, मतलब 90,000 19,791 करोड़ का उन्होंने सेल किया है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 16,594 का नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है दिस ईयर में, और कंपनी टोटली डेट फ्री है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई और इंफोसिस की अगर जानने में हमने अगर आपकी थोड़ी सी मदद की, तो ये अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
नमस्कार, धन्यवाद।